नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे, महाराष्ट्र टीवी 24 के टॉप 30 हेडलाइंस में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली ग्रेटर कैलाश में फायरिंग, जिम से आ रहे शख्स पर गोलीबारी। चेन्नई के कई इलाकों में बिजली गुल, मनाली सब स्टेशन में हुई है गड़बड़ी। आरजीकर अस्पताल मामले में टीएमसी विधायक सुदीप्त राय के घर और नर्सिंग होम पर सीबीआई का छापा। उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट, बागेश्वर चंपावत समेत 9 जिलों में स्कूलों की छुट्टी। छत्तीसगढ़ बलौदा बाजार में एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या। हरियाणा के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, 40 नेताओं के नाम शामिल। कोलकाता रेप एंड मर्डर, बंगाल राज्यपाल बोले मैं सीएम ममता का सामाजिक बहिष्कार करूंगा। उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल जिले में कल भी स्कूल रहेंगे बंद। बारिश के बीच मथुरा रोड पर दिल्ली से फरीदाबाद जाने वाली सड़क पर लंबा जाम लगा। हरियाणा विधानसभा भंग, सीएम सैनी फिलहाल कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। न्याय के लिए पद भी छोड़ने को तैयार, डॉक्टर्स की मीटिंग में नहीं आने पर बोली सीएम ममता। दिल्ली राव कोचिंग हादसा, हाईकोर्ट ने सीबीआई से जल भराव का कारण बताने को कहा। जम्मू कश्मीर श्रीनगर में पुलिस वाले की हत्या, अज्ञात लोगों ने मारी गोली। बिहार बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों का तबादला, कई जिलों के एसपी भी बदले गए। छत्तीसगढ़ सरकारी कॉलेजों के चिकित्सा शिक्षकों की सैलरी बढ़ाने का फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 17 सितंबर तक गुजरात दौरे पर रहेंगे। सीताराम येचुरी की बॉडी एम्स को डोनेट, निधन के बाद परिवार का फैसला। टीएमसी से राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने दिया इस्तीफा। सीपीएम महासचिव सीतारामन येचुरी का निधन, दिल्ली के एम्स में थे भर्ती। पंजाब अमृतपाल के समर्थकों सहित कई लोगों के ठिकानों पर एनआईए की रेड। 21 से 23 सितंबर तक अमेरिकी दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, कार्ड लीडर शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। दिल्ली एनसीआर में रात भर होती रही झमाझम बारिश, ऑरेंज अलर्ट भी जारी। 1984 सिख दंगे, जगदीश टाइटलर के खिलाफ सुनवाई आज। ज्ञानवापी केस पर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई आज। लालू यादव और तेजस्वी से जुड़े लैंड फॉर जॉब केस में दिल्ली में सुनवाई आज। दिल्ली शराब घोटाला, अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। दिल्ली ग्रेटर कैलाश में फायरिंग, जिम से आ रहे शख्स पर गोलीबारी। चेन्नई के कई इलाकों में बिजली गुल, मनाली सब स्टेशन में हुई है गड़बड़ी। आरजीकर अस्पताल मामले में टीएमसी विधायक सुदीप्त राय के घर और नर्सिंग होम पर सीबीआई का छापा। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स पहली बार 83,000 के पार पहुंचा। फिलहाल टॉप 30 हेडलाइंस में इतना ही। वक्तों चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची प्रगती आणि ग्रामीण जीवनाच्या सुधारणेसाठी पायाभूत सुविधांचा विकास गरजेचा आहे, म्हणूनच राज्य शासनाने 25-15-12-38 ह्या योजनेअंतर्गत विविध कामांना मंजुरी दिली आहे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना व मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना या अंतर्गत मागील 2 वर्षात 40,000 किलोमीटर लांबीच्या ग्रामीण रस्त्यांना शासनाने मंजुरी दिली आहे। ग्रामीण भागात पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या प्रमाणात रस्ते विकास योजना राबवली जात आहे। गावांतर्गत रस्ते, गटारे, दहन व दफन भूमीची सुधारणा, जिल्हा परिषदांच्या शाळांचे व अंगणवाड्यांचे नूतनीकरण, ग्रामपंचायत इमारतींचे बांधकाम, अभ्यासिका बांधकाम, सौर व विद्युत ऊर्जेवर आधारित विद्युत रोहित्र व शेतपाणंद रस्ते योजनेतील कामे, अशा 37 कामांच्या समावेशामुळे ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधांची निर्मिती होऊन ग्रामीण विकासाला चालना मिळत आहे। निर्धार ग्रामीण विकासाचा, महाराष्ट्राच्या उन्नतीचा। ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग, महाराष्ट्र शासन।